हाय, दिस इज देव आदित्य, आपका प्यारा नहार। वेलकम टू डेली फोकस न्यूज। आज पूरे 800 एपिसोड पूरे हो गए जी, तो कितनी खुशी है 800 एपिसोड पूरे होने की। जी बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, मतलब इट्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी पूरी टीम के लिए। सीजन वन के बाद मैंने सीजन टू ज्वाइन किया है इज लीड दिस शो। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीड एक्टर्स की कि शो को आगे लेके जाना। एंड सबसे दूसरी बात, दर्शकों की बहुत बड़ी अहमियत होती है इसमें कि आपको वो एक्सेप्ट करे एज लीड्स एक शो के बाद, हिट शो रहने के बाद। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू। आपको इस शो के थ्रू बहुत सारा प्यार मिल रहा है, दर्शक काफी आपको देखना चाहते हैं, और आपको आई होप कि मतलब इंस्टाग्राम पे भी आपको काफी सारे मैसेज आते होंगे। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए जो आपका? आई लव माय फैंस, मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, थैंक यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और दूसरी चीज़, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ माई हैवी शेड्यूल जो यहाँ पे बहुत टाइट रहता है, क्योंकि टेलीकास्ट फंस जाता है कभी कभी। जैसे कि कल नेक्स्ट 5 डेज भी बहुत हेक्टिक रहने वाला है, रूही इज़ नॉट अवेलेबल, बट हम लोग ट्राई बेस्ट करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए कम टाइम में भी। सो थैंक यू सो मच, एंड आप निराश मत होना, मैं हर एक फैंस को रिप्लाई दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। शो पे सबसे ज़्यादा शो का नाम है मन सुंदर, या तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मन सुंदर किसका है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आई थिंक जो पूनम जी है, पूनम जी, या शी। और आप अपने बारे में क्या कहेंगे? पूनम जी के बाद इट्स माय सेकंड में मेरा नाम लूंगा। देखो नाहर जो है ना, देव जो है वो सच में ऐसा ही है, वो फैमिली के साथ रहता है, इंट्रोवर्ट है, फैमिली के साथ रहना पसंद करता है, सबको लेके चलना पसंद करता है। जो नाहर भी है, नाहर का कैरेक्टर भी बहुत इंटेंस है, बट देव में एक चीज़ है, वो बहुत चुलबुला है, फन लविंग है, मजाक करता है, लेकिन नाहर बहुत इंटेंस कैरेक्टर है। और शुरू में जब ज्वाइन किया था, माय डायरेक्टर्स, दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत हेल्प किया मेरा कि वो कैरेक्टर को कैरेक्टर में कैसे ढलूँ मैं उसमें, लेकिन विद इन अ मंथ मैं ट्रैक में आ गया और बहुत अच्छा रहा सफ़र। रियल लाइफ का सफ़र कैसा है सेम देव जैसे? शुरू में ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि नायगांव बहुत दूर रहता है जहाँ पे हम स्टे करते हैं, तो शुरू में दिक्कत होती थी, लेकिन यूज टू हो जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे हम जिम जाते हैं, शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन एज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी बॉडी को आदत हो जाती है, तो इट्स लाइक दैट, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कभी कभी ट्रैफिक की वजह से इशू होता है, जैसे आज खुद ही फंसे थे सब लोग, आप भी फंसे होंगे। सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती आप किसके साथ करते हैं? मेरी जो बहन प्ले कर रही है अलीशा अवनी, उसके साथ, एंड आशी जो मेरी भांजी बनी है, वो आज नहीं है बट शी इज़ वेरी क्यूट। और ऐसा कोई जिसके साथ आप रहना पसंद नहीं करते हो? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग यहाँ पे बहुत पसंद है। सब लोगों को बहुत प्यार करता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। इस शो के अलावा कुछ और चल रहा है अभी? नहीं, ये तो मेरा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है इन लोगों के साथ, सो 30 डेज मेरे बुक्ड रहते हैं शूट के लिए, तो मैं दूसरा शूट कुछ लेना मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं म्यूज़िक में भी कुछ करता हूँ, मेरे कुछ शायरी है, कुछ सॉन्ग्स है जो मैं प्रोड्यूस करता था, लिखता था, रिलीज़ करता था पहले, वो थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गेट सम टाइम आउट ऑफ दिस हेक्टिक शेड्यूल ताकि वो भी कंटिन्यू रख पाऊँ। तो मैं अभी मैंने वापस शुरू किया है वो सब, क्योंकि मेरा खुद का बैंड भी है, बैंड का भी मतलब एक्टिविटी कम हो गया है मेरा, लेकिन बैंड इज स्टिल एक्टिव, माय बैंड इज कमली सागा, इट्स एक्टिव, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। लेकिन अभी फिलहाल मैं बैंड के लिए एक्टिव नहीं हूँ, बट बैंड इज वर्किंग नाइस। आपके अपोजिट में रूही काम कर रही है, रूही, तो उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है? शी इज वेरी गुड, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम लोग आजू बाजू ही रहते हैं, हम लोग मतलब रियल लाइफ में भी बहुत आसपास रहते हैं, मतलब मेरी बिल्डिंग, दो बिल्डिंग छोड़ के उसकी बिल्डिंग है, सो हम लोग आना जाना साथ में करते हैं, वी शेयर वेरी गुड बॉन्ड, कुछ बातें शेयर करते हैं हम लोग, करते करते आते हैं, एंड देखते देखते पता ही नहीं चला, सेवन मंथ्स, और सीन में बहुत मज़ा आता है उसके साथ शूट करने में, हंसी मजाक चलता रहता है, इट्स फन, इट्स सुपर फन। मैं तो चाहता हूँ संभावना, पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिल से हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 1500 एपिसोड्स तो हम लोग टच करें जिस स्पीड। हाँ, हाँ देखिए, ये जो शो है ना, इसमें सब लोगों की मेहनत है, जैसे शो में एक्टर्स की मेहनत लगती है, डायरेक्टर्स की मेहनत लगती है, क्रिएटिव टीम, राइटर्स टीम, ड्रेस टीम, मेकअप टीम, सेटिंग,
एवरीवन इज नेसेसरी, बट द मोस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे ऑडियंस, उनके बिना ये शो अधूरा है. शो आज यहाँ तक पहुँचा इट्स बिकॉज ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस ने इतना सारा प्यार दिया, सराहा, तभी हम इस मुकाम पर पहुँचे. थैंक यू सो मच. ऐसे ही प्यार करते रहिए और अपने नहार को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए और मैसेज करते रहिए. मैं सबको रिप्लाई करूँगा. लव यू सो मच.